तो मैं आज आप बात करने वाला अल सरताज ऑफिस गल्फा मैन पावर, अल सरताज गल्फा मैन पावर और आपका एसके इंटरनेशनल, ये तीन ऑफिस के बारे में बताने वाला हूँ। ये तीन ऑफिस आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हो इनका लाइसेंस के साथ है और ये अच्छी ऑफिस है, बहुत अच्छी ऑफिस है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अल सरताज ऑफिस एक अच्छी ऑफिस है और एसके इंटरनेशनल अच्छी ऑफिस है। जो हज उमरा वगैरह के लिए आना चाहते हैं या उनको विदेश जॉब करें, एसके इंटरनेशनल से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गल्फा मैन पावर ऑफिस है मुंबई में, ये भी अच्छी ऑफिस है, अच्छा कंपनी है, अच्छा कॉन्टैक्ट करता है, यानी कि जो भी कंपनी में अगर आपको ये भेजता है तो ये कंपनी उनका क्लाइंट होता है। और अच्छी जिस जगह भेजता है, सऊदी भेजा, कतर, ओमान, बहरीन, रसिया, रूस, अफ्रीका, अमेरिका, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जिस जगह भी आपको भेजा उस जगह इनका ब्रांच है, यानी कि तीनों ऑफिस का उस जगह ब्रांच है। ठीक दोस्त, अल सरताज ऑफिस का पटना, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, गोवा, केरला, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इस जगह पूरा ब्रांच है इसका। कोई तरह का डाउट क्लियर नहीं, डाउट अगर कोई हो रहा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो देखते हैं आज की बात करने अल सरताज ऑफिस और एसके इंटरनेशनल गल्फा मैन पावर कंसल्ट। गल्फा मैन पावर कंसल्ट और एसके इंटरनेशनल अल सरताज ऑफिस कैसा है नहीं है मैं आपको बता दूं, और गल्फा ऑफिस कैसा है एसके इंटरनेशनल। आज मैं तीन ऑफिस की बातें करने जा रहा हूं, इसलिए मैं बातें करने जा रहा हूं क्योंकि कोई से बंदे ऑफिस लोग आते हैं तो उन लोगों को मालूम नहीं होता मैं किस ऑफिस से विदेश आऊँ, किस ऑफिस से विदेश नहीं आऊँ। ठीक, तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं दलाल के चक्कर में, बहुत सारे लोग फंसते हैं भाई, तो उनको मालूम नहीं होता, वो बंदे फिर जाकर रोते हैं, उनका यानी कि पैसे फंसते हैं, रोते भी हैं। तो मैं आज दो तीन ऑफिस की जो बातें कर रहा हूँ, तीन ऑफिस की, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड, आप ऐसे अपने स्क्रीन पे देख रहे हो इनका गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड, इनका पूरा फुल लाइसेंस है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब जिस स्टेट से भी उस स्टेट में इनका ब्रांच है, और यानी किसी को अगर भेजता है किसी कंपनी में उधर भी इनका ब्रांच है। ओके भाई, तो अल सरताज ऑफिस की बातें करता हूँ मैं पहले नंबर पर। अल सरताज ऑफिस कैसा है? अल सरताज ऑफिस एक अच्छी ऑफिस है, एक अच्छा मैन पावर कंपनी है। अल सरताज का मैं बहुत सारा देखा हूँ ऑफिस, यानी कि उसका फ्रेंचाइजी देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, आपका पटना में हो गया, बिहार में, चेन्नई में हो गया, बेंगलुरु में हो गया, कोलकाता में हो गया, गोवा में हो गया, आपका एर्नाकुलम में हो गया, कन्याकुमारी में हो गया, इनका बहुत जगह ऑफिस है अल सरताज का ऑफिस। ठीक, इनका मेन ब्रांच आपका मुंबई में है और यूपी में इनका हेड ब्रांच आ रहा है नोएडा के अंदर। ठीक, तो ये हो गया अल सरताज। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एसके इंटरनेशनल। तो दोस्त, अगर मेरी वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं विदेश से रिलेटिव, विदेश से जॉब के रिलेटिव या विदेश में कुछ वैकेंसी है जो भी आती है, जो मेरे पास इंक्वायरी आती है, मैं आपको बताता रहता हूँ। तो मेरा नाम रोहित पंडित प्रजापति है और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ इन हेल्प यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, आज के टॉपिक में बात करते हैं एसके इंटरनेशनल। एसके इंटरनेशनल ऑफिस अच्छा ऑफिस है एसके इंटरनेशनल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं उमरा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा, तो उमरा हज किस ऑफिस से करना चाहिए, हमें किस ऑफिस से जाना चाहिए जो कि अच्छा ऑफिस हो। तो मैं आपको बता दूं एसके इंटरनेशनल एक अच्छा ऑफिस है, अच्छा मैन पावर है, जो कि उमरा हज के लिए भी अच्छा है और बहुत सारे लोग जो वर्क करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। ठीक, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कोई तरह का डाउट नहीं है, अच्छी ऑफिस है। ठीक, तो आप इससे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोई डाउट नहीं है इसमें। गल्फा एक मुंबई का ऑफिस है, गल्फा अच्छा ऑफिस है मुंबई में भी, उस ऑफिस से आ सकते हैं। ठीक ना, तो गल्फा ऑफिस मेरे को अच्छा लग रहा है, गल्फा ऑफिस अच्छा ही है, अच्छा मैन पावर है उसका गल्फा का। ठीक ना, अच्छा ऑफिस है गल्फा मैन पावर अच्छा ऑफिस है, अच्छा कंसल्ट है, आप उससे भी आ सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं, नो डाउट, नो किच कुछ नहीं है, जो है डायरेक्ट इनके अंदर है, जो वैकेंसी आती है डायरेक्ट लेते हैं, नो एजेंट, कोई एजेंट इनके अंदर नहीं आता। ठीक, डायरेक्ट काम करते हैं। ठीक, तो आप इनसे भी जाके कॉन्टैक्ट कर लेना। आज मैं तीन ऑफिस की बातें करूँ, तीन ऑफिस में आपको मैं अल सरताज, गल्फा मैन पावर, एसके इंटरनेशनल ऑफिस के बारे में बताया आपको। ये तीन ऑफिस जो कि अच्छी ऑफिस है, अच्छा कंपनी है, और मैं आपको बता दूं कि जो गल्फा मैन पावर है इनका बहुत सारा ब्रांच भी है, हर स्टेट ब्रांच है, इस हर स्टेट में अगर आपको लगे कि मैं इस स्टेट से, तो मुझे कॉमेंट में डालना, मैं आपको बताऊँगा कौन सा स्टेट से आना है, क्या है नहीं है, या किधर डिमांड है नहीं, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। ओके भाई, तो मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जब भी आओ अच्छी ऑफिस से, अच्छी कंपनी से, अच्छा अच्छे तरह से आओ, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप कहीं फंसो ना। ठीक भाई, मैं यही सोचता हूँ कहीं कोई फंसे ना बंदा अपने। ठीक, क्योंकि उधर का रोना सही, इधर बंदा ना रोए, इंडिया में रोना सही लेकिन इधर ना रोए बंदा, मैं इसलिए बोलता हूँ आपको कि कभी भी आना अच्छे ऑफिस से, अच्छे कंपनी से आना, अच्छे एजेंसी से आना। ओके, तो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक भाई, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई हो,
या अच्छा लगा हो या कुछ अगर मन में डाउट हो या कोई क्लियर ना हो पाया, अगर मैं आपको ना बता पाया तो प्लीज़ मेरे कमेंट में मुझे बताना कि मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। और मेरी वीडियो को जो भाई लोग ने सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए दिल से शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड तक। जो बंदे विदेश आना चाह रहे हैं या जिनको विदेश आना है या कोई उनको साथ नहीं दे रहा है, उनको मालूम नहीं है, मैं उनको बताता रहता हूँ, आप आएँ और अच्छी कंपनी में। अलसरताज ऑफिस अच्छी ऑफिस है भाई साहब, अलसरताज अच्छी ऑफिस और लाइसेंस के साथ गवर्नमेंट ऑफिस रजिस्टर्ड है, ओके यूपी में है। और बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं भाई बेंगलोर में बताओ ऑफिस कौन सा है, केरला और उसके बाद अपना बेंगलोर हो गया, केरला हो गया, बहुत सारी जगह से मुझे कमेंट्स सुनाते थे। तो मैं यार सबके लिए मैं एक ही बार बताया कि भाई साहब आप किसी भी ऑफिस से, सब ऑफिस अच्छी है। और जो भाई लोग बोलते हैं यार मुझे उस ऑफिस का एड्रेस बताओ, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, मैं उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक डाल देता हूँ, हर ऑफिस का लिंक डाल देता हूँ, हर ऑफिस का एड्रेस डाल देता हूँ, ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो, ओके भाई। तो मैं आपको हर चीज़ डाल देता हूँ, इसलिए डाल देता हूँ कि आप कहीं बौखना ना पड़े, कहीं घूमना ना पड़े, कहीं कुछ सर्च ना पाना पड़े, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक। और मैं एक PDF भी डाल रहा हूँ, SK इंटरनेशनल का PDF डाल रहा हूँ, वहाँ से आप PDF देख लेना, आपकी कौन सी वैकेंसी चाहिए नहीं चाहिए वो वैकेंसी मैं PDF में डाल दूँ डिस्क्रिप्शन, वो भी देख लेना आप। और एक जो अल सरताज का जो है, अल सरताज का मैं एक लिंक डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूँगा, ताकि आप अपना ऑनलाइन CV सबमिट कर दें, वहाँ पे ऑनलाइन CV सबमिट कर दें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जॉब में। पेट्रोकेमिकल, अब मैं बात करने वाला पेट्रोकेमिकल का भी डिमांड इन अलसरताज ऑफिस से आता है, जैसे कि आप देख रहे हो पेट्रोकेमिकल, तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप इस लिंक से भी आप उस ऑफिस में पेपर सबमिट कर देना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ओके भाई। और अगर कोई डॉट क्लियर ना हुआ, अगर कोई तरह की परेशानी हो तो मुझे आप बताना, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, जहाँ तक मैं आपको हेल्प करता रहता हूँ वो करूँगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अपने भाई लोग दोस्त लोग के साथ शेयर भी करना, और कोई तरह का परेशानी मुझे कमेंट में बताना। जो मैंने तीन ऑफिस के बारे में बताया, तीन ऑफिस रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के अंदर ही है भाई। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद आज के लिए, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।